अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा ये चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताना है कि एक जो डीसी सीलिंग फ़ैन होता है या एसी डीसी सीलिंग फ़ैन जो होता है उसके अंदर का निज़ाम कैसा होता है। उसके लिए दोस्तों, इसको फ़ैन की मोटर को खोलने के लिए हम सबसे पहले सेफ्टी पिन निकालें। उसके बाद दोस्तों, इसका जो बोल्ट लगा हुआ था उसको प्लास के साथ खोलने के बाद हम लॉन्ग नोज प्लायर से नीचे शाफ्ट को पकड़ के तो ऊपर इस हिस्से को जो है इसको घुमाएँगे। तार का ख्याल रखना है दोस्तों, इस दौरान तार बैंड ना हो। दोस्तों, इसको दोबारा लगाएंगे हम लोग ताकि इसको जब हम किसी चीज़ से इसको थोड़ा सा टकाएं तो उससे यह है कि इसकी चूड़ी ना ख़राब हो। इसके बाद दोस्तों, इसको हमने ये जो तीन बोल्ट हैं ये वाले खोल लेने हैं। दोस्तों, हमारे पास कोई प्रॉपर टूल्स इस वक्त नहीं थे तो बस हमने काम चलाया। आपने ये काम नहीं करने से इंजरी भी हो सकती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ जो है ये खुल चुका है। उसके बाद दोस्तों, हमने ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको वापस निकाल लेना है। ये दोस्तों, इसका ऊपर वाला कवर खुल चुका है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर एक रोटर है और उसके साथ स्टेटर में जो है वो परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है। जो प्लास्टिक का गोल रिंग आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर मुस्तकिल मकनातीस लगे हुए हैं। दोस्तों, इसका ये एसी डीसी किट है, इसके साथ हम इसको लगाएँगे। एसी डीसी किट में या आम सिर्फ डीसी किट भी हो तो उसमें यह होता है कि आमतौर पर कभी कभी जब आप किट बाज़ार से ख़रीदते हैं या कोई उसका रिप्लेस लाते हैं तो वो पंखा जो है उल्टा चलने शुरू हो जाता है। उसका दोस्तों ये तरीका होता है कि जो मोटर से तीन वायर्स बाहर सर्किट के लिए आई हुई होती हैं उनमें से कोई भी एक वायर्स अगर आप आपस में तब्दील कर लें तो आपकी आप उसकी जो गर्दिश है उसकी सिम को दुरुस्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इस वक्त किया है। और दोस्तों, याद रखना है कि जो वायर्स मोटर से निकली हुई हैं तीन, उनको आपस में आप चेंज कर सकते हैं। जो सर्किट से गई हुई हैं वहाँ पर आपने ऐसा कोई तजर्बा नहीं करना, आपका सर्किट लॉस्ट हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों।